आप देख रहे हैं ए भारत न्यूज लाइव। खबर कोसीकला से। ब्रजमंडल साधु समाज ने शॉल उड़ाकर जानकी दास को बनाया कोकिलावन धाम का उत्तराधिकारी। काफी दिनों से चली आ रही पंचायतें अब फाइनल निर्णय लेने के बाद आज रविवार को कोकिलावन धाम शनिदेव मंदिर का उत्तराधिकारी पंचों की सहमति से निश्चित हो गया। दरअसल वर्षों पुरानी परंपरा है कि किसी भी मंदिर के महंत के अस्वस्थ होने के बाद स्थानीय साधु समाज मंदिर के महंत और मंदिर की सेवा पूजा करने वाले को उत्तराधिकारी बना सकता है। रविवार को इसी क्रम में शनिदेव मंदिर के महंत प्रेमदास महाराज के अस्वस्थ होने की स्थिति में ब्रजमंडल साधु समाज की उपस्थिति में वर्षों से मंदिर की सेवा पूजा करने वाले सेवक जानकी दास को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, जिसमें मंदिर के महंत प्रेमदास महाराज, कोसीकला राघव मंदिर महंत चैतन्य दास जी महाराज, कोकिलावन के महंत मिश्री दास महाराज, बालक दास महाराज सहित दर्जनों साधुओं के द्वारा सेवक जानकी दास को महंत बनने का उत्तराधिकारी बनाया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी महंतों और साधुओं ने महंत जानकी दास को शॉल उड़ाकर और तिलक कर मंदिर की पूजा पाठ करते हुए मंदिर के प्रति आस्था और नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी दी। इस मौके पर साधु समाज में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। कोकिलावन धाम के महंत प्रेमदास महाराज ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी संतों के समक्ष साधु संतों के समक्ष जानकी दास को मंदिर के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलाते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस संबंध में शनिदेव मंदिर के महंत प्रेमदास महाराज ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, देखिए। ए भारत न्यूज लाइव के लिए विजय शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा है, आज का जो कार्यक्रम है ये हमारी परंपरा है साधु समाज की। जब मंदिर के महंत जी जब अस्वस्थ हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, बड़ी उम्र प्राप्त हो जाते हैं, तो वो अपना कोई ना कोई उत्तराधिकारी चुने जाते हैं, जाते उनके बाद में उनको मेहनता ही हो और मंदिर को संचालन करें और मंदिर के सभी नियम कायदा उसको बता दिए गए हैं। लेकिन आपको इस मर्यादा में चलना है, अगर मर्यादा को खत्म करेंगे, मंदिर का नुकसान करेंगे, तो तुमको यही साधु समाज हटा सकता है। इस साधु समाज को बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा अधिकार है, ये ही मेहनतों को नियुक्त करते हैं। इसी क्रम में आज हमने अपने एक पहले तो हमने मिश्री अपने चेला मिश्री दास को ये मेहनता ही दी थी, उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन वो लकुआ के कारण अस्वस्थ हो गए। उनकी सलाह थे और अपनी इच्छा थे, संत समाज की सलाह थे, आज मिश्री दास के चेला